नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? ठीक तो हो ना? आप लोग कोरोना से सावधानी बरतते रहे, ये बात मैं इसलिए आपसे बोलता हूँ कि दोस्तों कोरोना की चपेट में आ गए ना, तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता आपको, ना तो हॉस्पिटल में सही से केयर हो पाएगी, ना आपकी बॉडी सही तरह से रिकवर हो पाएगी। तो आज हम चलते हैं कि आखिरकार मई का महीना चल रहा है, और मई का महीना चल रहा है ना, तो दोस्तों एक ऐसी तारीख आएगी यानी कि 11 मई आएगी, और 11 मई को एक ऐसा डे सेलिब्रेट किया जाता है जो हमारे भारत की आन बान शान। कौन है? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे भारत की दूसरी आन बान शान कौन है? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे भारत की टेक्नोलॉजी में काम करती है, और हम ये जानेंगे कि हमारे पूरे जो भारत के अंदर नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ना, वो 11 मई को ही सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। आखिरकार 11 मई को सेलिब्रेट करने की क्यों जरूरत पड़ी? 11 मई की जगह हम 10 मई कर लें, 13 मई कर लें, 15 मई कर लें, 11 मई को ही नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करेंगे क्यों? इसका रीजन जानेंगे, और इसके बाद हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ना, वो किस मंत्रालय के तहत आता है, और वो मंत्रालय के चीफ कौन है प्रेजेंट टाइम के अंदर, और इसी के समय 11 मई को जो सेलिब्रेट किया जाता है ना नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इसका इतिहास क्या है, आखिरकार इस दिन सेलिब्रेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। दोस्तों ये वीडियो हम लोगों को यहीं पे समाप्त नहीं करनी, हमें ये भी जानना पड़ेगा कि जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो मिसाइल को लेकर परीक्षण हुआ था, वो कैसा परीक्षण था, और इसी के साथ ही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी उनके कार्यकाल में जो मिसाइल परीक्षण हुआ था, वो कब हुआ था। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आप लोगों का माइंड को कूल करता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को नॉलेज फुल दे सकूं। कोनो घाघरो छोड़ी आप दोना आप दोना आप दोना राज मगर ना तेरे आ घाघरो छोड़ी जो ये छे अगर आपको इतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूं। या आप दोना घाघरो छोड़ी आप दोना मांगू छू आप दोना आप दोना। तो अब हुआ आप लोगों का माइंड कूल, मैं देता हूं आप लोगों को नॉलेजफुल। तो स्टार्ट करते हैं भारत की बात प्रजापति के साथ, आओ समझते हैं कि आखिरकार 11 मई को ही नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों बनाया जाता है। इससे पहले हम लोगों को जो मेन पॉइंट है ना, जो हमारे मिसाइल को टेस्ट लेके जो हुए थे ना पिछले 19 जैसे दशक के अंदर हुए थे ना, उनके बारे में जानते हैं। तो क्या होता है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर मई 1974 के अंतर्गत इंडियन आर्मी के द्वारा एक मिसाइल टेस्ट किया जाता है, और इस मिसाइल टेस्ट के साथ में ही दोस्तों इसी के साथ में एक और टेस्ट किया जाता है न्यूक्लियर मिसाइल का, वो है शक्ति फर्स्ट का परीक्षण किया गया था। इसी दिन सेम डे शॉर्ट रेंज मिसाइल सरफेस टू एयर त्रिशूल मिसाइल का इसी दिन मई 1974 के दिन यानी कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ही त्रिशूल मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था इसी दिन। अब चलते हैं कि आखिरकार 11 मई को ही नेशनल टेक्नोलॉजी डे आखिरकार क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, तो याद करो वो दिन अटल बिहारी वाजपेयी का समय कब था, तो आप बोलेंगे 1998 का वह समय था, यानी कि 11 मई 1998 को राजस्थान के एक पोखरण नामक स्थान है, और जो पोखरण नामक स्थान है ना राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर आता है, यही जैसलमेर जिले के अंदर पोखरण नामक स्थान के अंदर 11 मई 1998 को न्यूक्लियर बम यानी कि परीक्षण नाभिकीय बम का परीक्षण किया गया था। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को बनाने का पर्पज ये निकल कर आता है कि जो हमारे भारत की आन बान शान, तो हमारे भारत की आन बान शान कौन है, तो एक तो कौन है, स्पेस एजेंसी के रूप में काम करने वाली कौन, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे भारत की आन बान शान है जो कि स्पेस या अंतरिक्ष के मामले के अंदर काम करती है। और दूसरी हमारे भारत की आन बान शान कौन है, तो आप बोलेंगे DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इनके प्रमुख चीफ कौन है, डॉक्टर सतीश रेड्डी। एवरी ईयर हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, जिसके प्रेजेंट के अंतर्गत जो प्रमुख है, जो चीफ कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके
चीफ है, इसी के साथ में देखा जाए ना तो ये मिनिस्ट्री आती है ना, इसी के तहत ये आती है। और इनकी जो द्वारा जो थीम निकाली जाती है ना, 2020 की थीम क्या रही थी, 2020 की थीम ये रही थी कि रिबोटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थीम रही थी। और दोस्तों यदि आपको 2021 की इसकी थीम दिखती है किसकी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे की, तो आप लोग प्लीज कमेंट के अंदर नेशनल टेक्नोलॉजी 2021 की थीम उसके अंदर जरूर पिन करें। और इसी के साथ में जो पहली बार बनाया गया था ना नेशनल टेक्नोलॉजी डे, वो बनाया गया था 11 मई 1999 को पहली बार नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया गया। तो ओवरऑल इस वीडियो के द्वारा आप लोगों ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में जाना और उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन निकल का है, जैसे कि भारत में परमाणु परीक्षण कब किया गया था, उससे संबंधित जो मिसाइल, इनके बारे में आप लोगों ने जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाय दोस्तों, हम लोग हमेशा से ही सोचते थे कि आखिरकार न्यूज़ आर्टिकल को इनको रीड करके अपनी नॉलेज को बूस्ट करना चाहा और इनके सही मायने जानने की कोशिश की। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने एक पॉजिटिव वीडियो बेस्ड सॉल्यूशन निकाला। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कुछ वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और फ्यूचर के अंदर ऐसी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहे। और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। आपका दिन मंगल हो।